अम्मी को पता चला ना कैमरा उनकी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराना शुरू कर दिया। इजी हाँ बिल्कुल इजी रहा करो ना कैमरा के सामने। जब अम्मी फुल तैयार हुआ हो ना, अम्मी को तैयार किया होता है, अम्मी तो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। ओ इन्होंने आपको अम्मा से मिला दिए। नहीं सब कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, और ये मैं हो गई हूँ तैयार और शीशे में खुद को देखते हुए जी ही नहीं भरता कि बस देखते जाओ। हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। सो मैं आई हूँ शैनील की तरफ और वो ऑलरेडी बिजी है किचन में सैंडविच बनाने के लिए। प्रॉपर एक ऐसा सैंडविच है जो कि होम मेड होगा, जिसमें कोई भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होंगी, आप डाइटिंग में भी खा सकते हो और बहुत ज़बरदस्त। वो अपने लिए बनाती है पर मुझे नहीं पता कैसे बनाती है, सो मैंने सोचा कि मैं अभी अभी ट्राई करती हूँ। हम बना रहे हैं सैंडविच और इन लोगों का डाइट वाला सैंडविच, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं खाऊंगी, मैं उसमें चीज़ भी ऐड करूंगी और हर चीज़, ठीक है। और ये शहनील का होममेड बटर है यार, ये तो वो पनीर जैसा लग रहा है जो इंडिया में होता है। कि तुमने पहले से मैरिनेट किया था इसको? Yes. क्या क्या लगाया था इसको? इसको लगाया अच्छा, ये गरम गरम है तो आसानी से हो जाएगा है ना। जो जहर लगती है ना मुझे, ब्राउन ब्रेड लगती है। ब्राउन ब्रेड नहीं है, मल्टीग्रेन मल्टीग्रेन ब्रेड है भाई, यकीन आ गया। मतलब ये हो या ब्राउन ब्रेड है, मुझे बहुत बुरी लगती है। दूसरी ब्रेड तुम लोग क्यों नहीं खाते? इसका टेस्ट ब्राउन ब्रेड से बहुत ज़्यादा अच्छा। ये कौन से सॉस है? क्या क्या नाम आ गया यार, अच्छी होती है ये। फिर ज़्यादा लगाना ठीक है, तुम लोग तो डाइट पे हो। नहीं, केचप ना ऐड करना, बस यही मैं ये खा सकती हूँ। मेयोनीज खा लूँगी, चीज़, लेकिन केचप सैंडविच तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। और चिकन पे हाथ हल्का रखना मेरे सैंडविच में। एलिपिनोज सही है भाई, घर में ही सब कुछ रखा हुआ है, बस ये भी कम। अब आ जाती है बारबेक्यू सॉस, ब्लैक ऑलिव, कॉर्न कर देना ना अच्छे से, वो मुझे अच्छी लगती है। ये नहीं, ऑलिव नहीं अच्छे लगते। ओपा ओपा ही है ना? Yes. इसमें अगेन वही सॉस जो फ्रेश लगाई थी, क्या नाम था उसका? थाउजेंड आइलैंड ठीक है। और चीज़ कहाँ जाएगा मेरा चीज़? ये कैसे हो सकता? सीन हो गया ये तो इतनी आसानी से कोई भी बना सकता है घर में, खास तौर पे हॉस्टल वाली लड़कियाँ, क्योंकि उनके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो, आराम से हर चीज़ अपने पास ऐसे रख सकती हैं ना। बस बटर लगाया ना बिल्कुल हल्का सा तवे पे, ताकि थोड़ा सा चीज़ मेल्ट हो जाए, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। अब हम कटिंग करेंगे इसकी, ज़बरदस्त। सेंटर से दिखाओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वापस से फ्रिज में सब कुछ। बहुत मजे का था। ये क्या है, तुमने मेरे तो नहीं डाला है, क्या चीज डाली है? चीज स्लाइसेस खत्म हो गए। अच्छा 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 यार, जो भी था मतलब ये मोज़रेला चीज़ है ना, चेडर चीज़। सब सो चुके हैं, मैं और शैनील जाग रहे हैं। हम लोग अब आइसक्रीम खाएंगे, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने आइसक्रीम ऑर्डर कहाँ से की है, पर हम आइसक्रीम कहाँ से मंगवाइए? पोपनोश, ये हमारी साइड पे है। पोपनोश मेरी आइसक्रीम। वैसे यार ये दिखने में कितनी कूल लग रही है, फुल ऑफ चॉकलेट। आई डोंट नो ये कौन सा फ्लेवर शैनील ने ऑर्डर किया था, पर इट्स लुक लाइक यम। पर ये बहुत आला लग रही है, और टेस्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें नट्स भी नज़र आ रहे हैं। क्या वीडियो बनानी है, पर मुझसे सब्र नहीं हो रहा। कितनी इन्होंने चॉकलेट जैसे फ्रीज हुई हुई, कितने मज़े ही है ना। वाओ, मतलब इसके अंदर भी चॉकलेट है ज़बरदस्त। 20 मिनट्स लेटर। वाकई में आप ना, पर भी मेरा आंख
आँख का लेंस देख रही हूँ तुम्हारा किस कलर का है। अच्छा लाइट से ना ब्राउन लग रहा है। ब्राउन ही है। ब्राउन ही है बाकी में। हाँ। तुमने सुबह आईब्रोज बनाई है? अभी कुछ देर पहले बनाई है। और ये देखो जरा प्रॉपर बाल शो हो रहे हैं। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। बहुत ही जल्दी वाला नाश्ता जब आपको खुद कुछ बनाना ना आता हो या फिर आपके पास टाइम ना हो तो आप आराम से नाश्ता ऐसे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अपने घर आ चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा मैं रेडी भी हूँ और मैं यूनिवर्सिटी से भी वापस आ चुकी हूँ। असल में सुबह मैं वहाँ से जेनिंग्स की तरफ से बहुत जल्दी भी निकली क्योंकि मेरी सुबह सुबह क्लास थी और मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ऑलरेडी लेट हो गई। और अब मैं वापस आई हूँ। अब मुझे अपने पेट को लेके जाना है क्लिनिक चेकअप करवाने। हाउ आर यू मेरी जान? बेबी की फाइल लाजमी कल मैं भूल गई थी। और इनको भी मेरी तरह अपनी नींद बहुत ही प्यारी है। वेल चेकअप हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं ताकि ये रेस्ट कर सके। रात होती नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा भूख लगनी शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा भूख इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मैंने 7 या 8 बजे खाना खाया है लेकिन पता नहीं 11-12 बजते हैं मुझे दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है। खैर छोके ये जो रेस्टोरेंट्स रात को खुले होते हैं ये हम जैसे लोगों के लिए ही होते हैं, इसलिए मैंने अभी भी खाना ऑर्डर आया है। जैसे ही मेरा खाना आता है फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या मंगवाया था, क्योंकि बस अपने लिए मंगवाया है और अकेले अकेले ठूसूँगी। जी तो ऑर्डर रिसीव हो चुका है मुझे और ये तो आपको दिख ही रहे होंगे। एक सेकेंड पहले इसको ओपन करते हैं। अल्फ्रेडो पास्ता। पास्ता मेरा फेवरेट है और फिर चाहे वो कहीं का भी हो। और ये है हमारे पास लोडेड फ्राइज, ज़बरदस्त फुल लोडेड है यार। फुल खाना पीना तो चलता रहता है। आप सब बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को देखते रहिएगा, हमेशा से शेयर करते रहिएगा और अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तमाम लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।